थ्रिलर है और ये एक्चुअली एक इसराइली शो है, तो उसी का रीमेक है। जब एक्चुअली बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि ऐसा रोल मैंने पहले अदा नहीं किया था, एंड आई वाज लाइक रियली रियली एक्साइटेड बिकॉज ये कैरेक्टर इतना अलग है और मतलब ये बोल ही नहीं सकते कि ऐसा है कि वैसा है। इट्स लाइक इट हैज़ अ लॉट ऑफ यू नो क्वेश्चन थ्रो, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे इस दौरान मुझे फोर शॉट्स मोर बहुत पसंद है, देन मिर्ज़ापुर मुझे बहुत अच्छी लगी, तो दो आई एम अ पार्ट ऑफ इट, बट मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल, जैसे हम जो थिएटर में बिलोंग करते हैं हमें वी आर वेरी कंटेंट ड्रिवन कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक्टिंग करने के लिए करते हैं, तो वैसा मज़ा नहीं आता। तो ये वेब सीरीज़ के लिए, वेब शोज़ के लिए इट इज़ ओपन्ड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्टर्स लाइक अस। यू मीन न्यूडिटी, राइट? तो ये तो है ही, बट यू नो इट्स अ क्या बोल सकते हैं हम, ग्लोबल, इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो हम इंटरनेशनल कॉन्टेंट के साथ हम कम्पीट कर रहे हैं, तो न्यूडिटी शुडंट बी लाइक आई डोंट नो, फॉर मी माई पर्सनल ओपिनियन कि आर्ट तो आर्ट है ना, उसमें ये नहीं दिखाएंगे या वो दिखाएंगे या वो नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कुछ दिखाना है, इट शुडंट बी व्हाट यू से टिटिलेटिंग, कि दिखाने के लिए नहीं दिखाना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट है, अगर स्क्रिप्ट में इम्पोर्टेंट है तब बात बनती है, नहीं तो बस शो को आगे बढ़ाने के लिए, टिटिलेशन के लिए दिखाना, ना दैट्स नॉट वेरी कूल आज से। मैं आपकी बात करता हूँ, मैंने पढ़ाई करी है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, टैफ्टा में, तो मेरे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। मेरे लिए किरदार इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए वो क्या कर रही है वो इम्पोर्टेंट है, तो या आई या द स्क्रिप्ट मैटर्स आई'ड से। मुझे लगता है भारत बदल रहा है, मुझे लगता है हमारी लड़कियां बदल रही हैं, मुझे लगता है ये जो एक मतलब ये जो इतना टैबू कर रखा है हमने, ये सब आहिस्ते आहिस्ते खुद निकल रहा है आई थिंक। तो फॉर मी इफ़ यू आस्क माई पर्सनल ओपिनियन, मैं सबके बारे में नहीं बात कर सकती, मैं सिर्फ पर्सनली अपने बारे में बात कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये दौर बदलाव का है, तो हम जितना इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें उतना ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा, आई मीन जिसका चोपड़ा, रोनित रॉय, प्रवीण दबाज, ये सारे इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं और ये हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि यू नो दे आर इन देयर वैन्स एंड ऑल, अगर हम एक सीन कर रहे हैं तो सब अपना इनपुट देते हैं, सब हेल्प करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्टर्स कि एक दूसरे को हेल्प करना, देयर इज़ नो कि अरे मैं तो ये हूँ या यू नो नो हायरार्की, इट्स वेरी कि हम काम कर रहे हैं एक कॉमन विजन की तरफ जो है कि इस वेब शो को उम्दा बनाना है, तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम। तो मुझे एक्चुअली मेरे को एक्टर को शूट करना था, तो मुझसे गन ही नहीं पकड़ी जा रही थी, तो उसके लिए हमने बहुत सारा फिर प्रैक्टिस किया उसके बाद, एंड देन क्योंकि अगर किसी ने रियल गन चलाया है वो कान में बहुत ज़ोर से लगता है, एंड इट्स नॉट दैट ईजी, तो आई थॉट दैट दैट वाज वेरी फनी कि पहले लोग टांग खींच रहे थे मेरा, फिर हमने बहुत सारा प्रैक्टिस किया एंड देन वी गॉट टू इट।
9 या 10 कितने नजर आ रहे हैं कहीं पर समझा कि यार सीन सब मैं ही बता दूंगी तो आप देखो कि नहीं ना आप देखो और पता करो और बताओ हॉस्टेज हॉस्टेज देखिए हॉटस्टार में एंड मुझे देखिए मैं हाइमा प्ले कर रही हूँ